वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से YouTube चैनल E2E क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 ये जो है कि वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, FYUGP सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। अभी तक हमने लेक्चर 1 टू लेक्चर 10 तक कवर कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको लेक्चर नंबर 11 कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लेक्चर नंबर 10 को देखने के लिए या फिर लेक्चर नंबर 1 टू 10 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर देख लीजिए। लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 का, लेक्चर 3 का, लेक्चर 4 का, लेक्चर 5 का, 6 का, एकदम 11 तक जितने भी 10 तक लेक्चर्स बने हुए हैं उन सभी का जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देख आइए, फिर आपको लेक्चर नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, और एक बात, मान लीजिए लेक्चर नंबर 11 ये हो रहा है और लेक्चर नंबर 10 अगर आप नहीं देखे, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर आई टैब आ रहा है, आई टैब पर लेक्चर नंबर 10 का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप टैप कीजिए और लेक्चर नंबर 10 में स्विच हो जाइए। पहले लेक्चर नंबर 10 देखाइए, तब आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आइए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका एक यूनिक ढंग है, यूनिक तरीका है, सबसे जुदा है। क्या है? तो मैं पढ़ाने से पहले बच्चे लोग को बताता हूँ, डील करता हूँ कि मैं आज पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ हर बार, टुडेज टारगेट। आज का जो टारगेट है बहुत ही VVI है बच्चों, बहुत ज़्यादा VVI है, ठीक है ना। आज का टारगेट से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन जो है कि फिक्स है ना, 10 मार्क्स का। अगर लॉन्ग में 10 मार्क्स का पूछेगा तो 10 मार्क्स का फिक्स है, एकदम कन्फर्म है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ लेबनिस थ्योरम डिस्कशन, आज जो है कि स्टेटमेंट पढ़ूंगा लेबनिस थ्योरम का, है ना, और उसका डिस्कशन करूंगा। मतलब लेबनिस थ्योरम क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस थ्योरम को हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, लेबनिस एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा है, है ना, उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेशन रिलेटेड टू लेबनिस थ्योरम। लेबनिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी आज टैकल करने की कोशिश करेंगे, उसको भी बनाएंगे, ओके। और एक बात आपको बता दूं बच्चों कि लेबनिस थ्योरम देखिए एग्जाम में जो आएगा ना क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनिस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट दीजिए कि लेबनिस ने क्या कहा और इसके बाद उसका प्रूफ कीजिए, है ना, वो चीज पूछेगा आपके एग्जाम में। लेकिन 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 आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ मैं उसका स्टेटमेंट बताऊंगा कि लेबनिस साहब ने क्या कहा था, बस ये बताऊंगा। आज प्रूफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आज ही के दिन अगर आपको प्रूफ करवा दूंगा तो आपके माइंड से सब आउट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये अच्छा होता है कि किसी भी थ्योरम को समझने के लिए, किसी भी थ्योरम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बना लीजिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेबनिस थ्योरम बना लीजिए, फिर आप उसका प्रूफ में उतरिए, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लेबनिस थ्योरम डिस्कशन, दूसरी बात सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेबनिस थ्योरम। तो दो टॉपिक्स आज कवर होंगी, ओके। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेबनिस ने क्या कहा था। अच्छा, अभी तक इसको पढ़ने से पहले, अभी तक आपने जानते हैं कि वाई इक्वल टू का साइन एक्स होता है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn क्या होता है, तो साइन n पाई बाई 2 और प्लस का x होता है, ठीक है ना, इसका nth डेरिवेटिव आप जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए y इक्वल टू अगर cos x रहे तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn इक्वल्स टू cos n पाई बाई 2 और प्लस x। मतलब आपने अभी अभी क्या देखा है, अभी तक क्या सीखा है, सिंगल सिंगल टर्म का nth बार डेरिवेटिव सीखा है कि नहीं। कुछ इस प्रकार के टर्म्स को भी आपने देखा होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे जस्ट पहले वाले क्लासेस में मैंने डिस्कस कर रखा है। फिर आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपने बनाया होगा, ठीक है ना, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इसका भी nth डेरिवेटिव आपने निकाला होगा। तो इस प्रकार के कई सारे आपने क्वेश्चंस किया है जो कि सिंपल सिंपल थे, एक एक टर्म में था, है ना, आपने किया है। लेकिन क्या आपने ऐसा क्वेश्चंस किया अभी तक, y इक्वल टू एक्स इन टू ई टू द पावर एक्स, क्या ऐसा क्वेश्चंस किया है, क्या इसका nth डेरिवेटिव निकाला है अभी तक? नहीं निकाला है, क्योंकि इसमें u इंटू v के फॉर्म में आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लगता है, इसका nth डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
तो इसीलिए इसी क्वेश्चंस को करने के लिए लेबनीज ने एक रूल दिया है जिसका नाम है लेबनीज रूल। मतलब कोई भी प्रोडक्ट फंक्शन का, याद रखिएगा, कोई भी यू इंटू वी में, कोई भी यू इंटू वी में अगर रहे, मतलब वाई इक्वल्स टू, मतलब कि y इक्वल्स टू u इंटू वी के फंक्शन में रहे, यानी कि y अगर प्रोडक्ट फंक्शंस में रहे, u भी जो है कि कोई x का फंक्शन हो सकता है, भी कोई x का फंक्शन हो सकता है, तब इसका n बार डेरिवेटिव क्या होगा? क्या मैंने बोला u इंटू वी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस रहे, u इंटू वी, देखिए u गुने भी है, u v के साथ चिपका हुआ तो मल्टीप्लाइड में, तो u गुने भी और भी गुने u, तो u और भी प्रोडक्ट में, इसको कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ y। तो y क्या है, u इंटू वी में है, तो अगर ऐसे फॉर्म में रहे तो इसका है ना डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करते थे आप लोग, याद है बचपन में क्लास ट्वेल्थ में, u इंटू वी रहता है, सपोज कीजिए बच्चों कि क्लास ट्वेल्थ में आप लोग करते थे कि y इक्वल्स टू u इंटू वी होता था, तो आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे y1, तो u को छोड़ते थे और v को डिफ्रेंशिएट करते थे तो लिखते थे v1, अब प्लस v को छोड़ करके u को डिफ्रेंशिएट करते थे तो लिखते थे u1, करते थे ना, अब फिर y2 करेंगे तो फिर देखिए एक बात समझिएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो दो टर्म में ब्रेक हो गया, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो दो टर्म में ब्रेक हो गया, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना टर्म में ब्रेक होगा, एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, और एक टर्म फिर इधर, और एक टर्म इधर, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, मतलब तीन और चार, चार टर्म में ब्रेक होगा, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो दो बार, दो टर्म में ब्रेक हुआ, फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चार टर्म में ब्रेक हो जाएगा, इस प्रकार से जब आप तीसरा बार करेंगे आठ टर्म में ब्रेक हो जाएगा, फिर चौथा बार करेंगे तो 16 टर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो इस प्रकार से चीजें बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगी और आप इसका एनर्ट डेरिवेटिव ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, ये कोई पैटर्न को आप पकड़ ही नहीं पाओगे, एनर्ट डेरिवेटिव का कोई पैटर्न को आप पकड़ नहीं पाओगे अगर ऐसा आप करोगे तो। तो इसलिए एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है लेबनीज, उन्होंने रूल दिया है y इक्वल्स टू यू इंटू वी के फॉर्म में कोई भी फंक्शंस रहे तो उसका n बार डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसी के लिए जो है कि लेबनीज ने एक बहुत अच्छा रूल दिया है, उसी रूल को आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। चलिए तो इसको इरेज करते पहले, तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला आपको कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू अगर साइन x है तो आप इसका डेरिवेटिव जानते हो ना, n बार डेरिवेटिव जानते हो ना, फिर y इक्वल टू cos x है तो इसका भी n डेरिवेटिव जानते हो ना cos x प्लस n पाई बाई टू, साइन x प्लस n पाई बाई टू, अगर y इक्वल टू tan x है तो उसका भी n डेरिवेटिव जानते हो tan x प्लस n पाई बाई टू, है ना, ये होता है। तो अगर इसी प्रकार से बच्चों अगर y इक्वल टू ऐसा आ जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका एन, देखिए इसको एक बार डेरिवेटिव कर तो आप लेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करने बोले तो कोई भी आप कर लीजिएगा, दो बार बोलेगा तो भी इसका कर लीजिएगा, लेकिन क्या आप एन बार इसका कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बात को समझिए, एक बार कीजिए दो पार्ट में टूटेगा, साइन को छोड़ेंगे कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस कॉस को छोड़ देंगे साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो रही है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे दो पार्ट में टूटेगा, साइन को छोड़ करके कॉस का डेरिवेटिव, प्लस कॉस को छोड़ करके साइन का डेरिवेटिव, दो पार्ट में टूटा ना, फिर उसी दो पार्ट को दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर चार पार्ट में टूटेगा, फिर दोबारा कीजिएगा मतलब तिवारा कीजिएगा तो आठ पार्ट में टूटेगा, इस प्रकार 16 पार्ट में टूटेगा चौथा बार कीजिएगा, तो इस प्रकार चीजें टीडियस हो जाएगी, कठिन हो जाएगी और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे इसका एनर्ट डेरिवेटिव, इसीलिए तो ऐसे फंक्शन का वाई एन निकालने के लिए, एनर्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने लेबनीज रूल दिया, लेबनीज थ्योरम दिया, लेबनीज फार्मूला दिया, तो इसको जरा समझते आइए, चलिए तो इसको इरेज करते हैं और इसको समझते हैं, आई होप अब तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर साफ साफ कहता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ लेबनीज थ्योरम एंड डिस्कशन, तो y इक्वल्स टू यू इंटू वी के फंक्शंस में कोई रहे, y अगर u इंटू वी में रहे, u इंटू वी, ये क्या है u इंटू वी, वेर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, मतलब u और v कैसे होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे, मतलब देखिए जरा समझिए, क्या y इक्वल टू साइन x होंगे, है ना, देखिए फंक्शन ऑफ x और u के जगह पर, ये u के जगह पर है और v के जगह पर cos x है, फंक्शन ऑफ v, ये भी है, भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, u भी किसका फंक्शन है, x के फंक्शन है,
फिर y इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है e टू दी पावर x log x, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना। तो ये भी x का फंक्शन है, देखिए ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार से y इक्वल टू आपका x इंटू टेन एक्स भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये भी ये u है, ये u है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी है, ये भी x का फंक्शन है। तो करीब करीब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि इफ यदि ui बराबर u इंटू भी रहे, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, देन nth डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि yn क्या होगा, कहने का मतलब nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो देन nth डेरिवेटिव ऑफ y, देन nth डेरिवेटिव ऑफ y यूजिंग लेबनीज रूल या लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम की मदद से या लेबनीज रूल की मदद से हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है समझिए, थोड़ा सा यहां पर आपको लग रहा है कि एकदम कंडेंस लिखा हुआ है, तो हम लिख करके बता देते हैं आप लोग को, ज्यादा बेस्ट रहेगा कि क्या है, कि अगर इफ y इक्वल्स टू u इंटू भी है, y इक्वल्स टू u इंटू भी है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, n बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, n बार होगा nc0, है ना, nc0, फिर क्या होगा un, मतलब जो भी फंक्शन u रहेगा उसको n बार डेरिवेटिव करना है और फिर भी हो जाएगा, प्लस nc1 un माइनस, देखिए यहां पर nc0 है, यहां पर un हुआ और यहां पर nc1 है, यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर देखिए nc0 un हुआ, भी हुआ, फिर nc1 un माइनस 1, एक घटा दीजिए, देखिए nc0 है ना, n माइनस 0, n माइनस 0 यानी कि n, और भी nc1 तो n माइनस 1, n में से एक घट गया, अब फिर क्या हो जाएगा यहां पर भी 1, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, देखिए nc0 un और यहां पर भी को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एज इट इज रहेगा u इंटू भी फंक्शन को, ठीक है ना, nc1 un माइनस 1, मतलब u में एक घटा देना फिर भी 1, फिर क्या होगा nc2, क्या होगा nc2, nc2 un माइनस, देखिए यहां पर एक था तो n माइनस 1, nc1 तो n माइनस 1, यहां पर दो है तो n माइनस 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एक है तो यहां पर भी 1, यहां पर दो है तो यहां पर भी 2, क्लियर है सर, यहां पर जीरो है तो यहां पर भी जीरो होना चाहिए था, तो भी जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब उसको एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, भी जीरो का मतलब क्या होता है, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो इसीलिए भी लिखा मैंने, भी जीरो नहीं लिखा, और भी वन का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है इसीलिए भी वन लिखा, सोच पा रहे ना, यहाँ पर भी जीरो लिखना चाहिए था, बट लिखने या ना लिखने का कोई यहाँ पर मैटर, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि भी जीरो का मतलब क्या होता है, एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो इसीलिए भी ही रहने दीजिए, समझ पा रहे ना। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वाई इक्वल्स टू यू भी है तो वाई एन क्या होगा, एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन, वन है तो वन, एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, फिर प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री भी थ्री, अब प्लस डॉट 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 चलते रहेगा ना, कहाँ तक, एन टाइम्स तक चलेगा। तो इसी चीज को हम यहीं पर लिखते हैं एडजस्ट करके, देखिएगा प्लस क्या है, लास्ट में क्या होगा, एक टर्म होगा ना, एन सी एन होगा ना, एन सी एन यू एन है ना, यू एन माइनस एन, देखिए लॉजिक समझिएगा, एन सी वन है तो एन माइनस वन, तो एन माइनस एन जीरो, यू जीरो होगा, एन माइनस एन यू जीरो, तो यू जीरो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर तीन है तो यहां पर भी थ्री है, यहां पर दो है तो यहां पर भी टू है, तो लास्ट में यहां पर देखिए एन है तो क्या हो जाएगा, भी एन हो जाएगा, भी एन हो जाएगा। तो ये फुल एंड फाइनल लेबनीज थ्योरम यही कहता है कि अगर y इक्वल्स टू u इनटू v में रहे, इक्वेशन वन इसको मान लीजिए, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस, देखिए यहां पर 1 है तो 1, nc1 है तो n माइनस 1, nc2 un माइनस 2 n माइनस 2, अब v2 प्लस nc3 प्लस nc3 un माइनस 3, एक घट गया, n में से तीन घटा, n माइनस 3, फिर v3, तीन है तो तीन, अब प्लस डॉट 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 चलते रहेगा, प्लस ncn यू एन माइनस एन, मतलब यू जीरो, यू जीरो लिखने कोई मतलब नहीं बनता है, यू जीरो नहीं लिखेंगे, यू जीरो का मतलब होता है कि यू को एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, तो फिर क्या जरूरत है लिखने का, इसीलिए यू ही लिखिए, जो फंक्शन है उसी को एज इट इज रखना है तो यू ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन हो गया, यहाँ पर तीन था तो यहाँ पर भी थ्री हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एन सी, एन सी एन के जस्ट पहले क्या होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एन सी एन के जस्ट पहले एन सी एन माइनस वन, एक और कम होगा, एन सी एन के जस्ट पहले, जस्ट पहले तो एन माइनस वन, और इस जगह पर क्या होगा, एन माइनस वन, मतलब एन में फिर एन माइनस वन घट गया, और यहां पर एन में एन घटा तो यू जीरो, तो उसको लिखे नहीं, अब फिर क्या होगा, भी यहां पर लास्ट में एन माइनस वन हो जाएगा, है ना, यहां पर एन माइनस वन है तो यहां पर भी एन माइनस वन हो जाएगा।
तो ये एन एन मर जाएगा, माइनस वन माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और नहीं आ रही है तो एक बार और समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए बच्चों, मैं कहना यहां पर ये चाह रहा हूं, चलिए मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं कहना चाह रहा हूं लास्ट में एन सी एन तक तो क्लियर है ना। यहां पर यू एन माइनस एन यानी कि यू जीरो, उसको नहीं लिखेंगे, और लास्ट में एन है तो वी एन हो गया। तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, एन सी एन माइनस वन, एक और घट गया, एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर यू एन में से फिर एन माइनस, ऊपर से नीचे को घटाएंगे, माइनस ऑफ एन माइनस वन, और भी ये वाला जो है वहां पर, यहां पर रख देंगे एन माइनस वन, ठीक है ना। जैसे यहां पर एन है तो यहां पर एन हो गया। तो आप देखिए एन सी एन माइनस वन, यू एन में से माइनस एन घटा तो माइनस वन, और ये देखिए माइनस, ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो यू वन हो जाएगा और वी एन माइनस वन, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसे जस्ट पहले लिखना होगा, तो देखिए इससे जस्ट पहले यहां पर लिखा हूं एन सी एन माइनस वन, यू एन माइनस एन माइनस वन, वी एन माइनस वन, क्लियर है। और उसके ऊपर में देखिए एन सी जीरो यू एन भी, एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन, एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री भी थ्री। वही चीज जो नीचे लिखा हूं वही ऊपर में एज इट इज लिखा हूं, ठीक है ना। जो आपको समझ में आया वो आप उतर सकते हो। ये फार्मूला क्लियर है, इसी फार्मूला की मदद से पूरा क्वेश्चन बनने वाली है। आइए तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक करेंगे। देखिएगा, देखिए बच्चों, बोलता है सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेबनिस थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू लेबनिस थ्योरम। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स है, और फाइंड करना वाई एन, मतलब इसका है ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है गिवन डैट, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। गिवन डैट क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अब बात ये हो रहा है, पहले लेबनिस थ्योरम तो लिख लीजिए। क्या था लेबनिस थ्योरम, वाई एन बराबर एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस, यू एन माइनस वन भी वन प्लस प्लस एन सी टू, एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट डॉट आगे और था। तो ये आप पहले फॉर्मूला ठो लिख लीजिएगा। अभी बात को समझिएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स है। अब आपका इसमें मतलब किसको भी मानेंगे और किसको यू मानेंगे, ये आप लोगों को असमंजस हो रही होगी। कि देखिए जैसे y इक्वल्स टू यू इंटू भी रहता है तो इसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव ये होता है, बट इसमें हम लोग यू किसको मानेंगे और भी किसको मानेंगे, ये एक चैलेंज है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरा समझिएगा, जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। तो पॉलिनोमियल इसमें क्या है बच्चों, बताइए आप ही लोग। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, तो पॉलिनोमियल जो रहेगा उसी को हम लोग भी मानेंगे। तो देयरफॉर वी लेट भी बराबर एक्स स्क्वायर एंड यू बराबर ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको हम लोग भी मानेंगे, ओके ना। जो फिर से एक बार माइंड में रखिए, जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको हम लोग भी मानेंगे, और जो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा उसको हम लोग यू मानेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो पहले भी वन करेंगे, तो भी बराबर एक्स स्क्वायर है तो भी वन करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स का टू और एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर भी टू बराबर आपका क्या हो जाएगा, तब टू हो गया, टू इंटू वन यानी कि टू। अब भी थ्री करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट तिवारा करेंगे तो भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यू बराबर आपका क्या है, ई टू द पावर एक्स है, ठीक है ना। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू वन, और ये ए कोफिशियंट है वो बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और एक्स का कोफिशियंट ए बाहर आ जाएगा एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर, ठीक है ना। दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और कोफिशियंट बाहर आ गया, समझ पा रहे हैं ना, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है ना बच्चों, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट a बाहर निकल जाएगा। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो u2 कीजिएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और a है और x का कोएफिशिएंट a फिर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर से a बाहर निकल जाएगा, है ना। तो मिल करके क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स और a मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर
डॉट 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 यू एन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक है तो पावर में ए टू द पावर वन ई टू द पावर एक्स, दो है तो पावर में ए टू द पावर टू ई टू द पावर एक्स, एन बार कीजिएगा तो ए टू द पावर एन और ई टू द पावर एक्स, एन बार कीजिएगा तो क्या होगा ए टू द पावर एन और ई टू द पावर एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना, बोलिए। चलिए अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग और आगे क्या करेंगे, एक बात को नोटिस कीजिएगा, यूएन तक तो निकाल लिए, मान लीजिए कहीं पर यूएन माइनस वन का जरूरत पड़ जाएगा तो उसको भी निकाल के यहीं पर रख लीजिए, यहीं पर निकाल करके रख लीजिए। देखिए जहां पर n है वहां पर सिर्फ n माइनस वन कर दीजिए, ए टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x। अब कहीं पर un माइनस टू जरूरत पड़ा तो उसको भी निकाल के रख लीजिए, जहां पर n है वहां पर n माइनस टू कर दीजिए, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x। क्लियर है बच्चों, और ऊपर में हम लोग लेबनीज थ्योरम लिख के रखे हुए हैं, ठीक है ना, उसका भी हम लोग यहां पर सहारा लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्लाइड में, इस स्लाइड में नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम लोग अगला स्लाइड को करना पड़ेगा, तो अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना, क्या जानते हैं हम लोग, वाई एन बराबर क्या होता है एन सी जीरो, क्या होगा यू एन भी वन, भी वन नहीं होगा है ना, क्या होगा एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, फिर प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री, फिर क्या होगा भी थ्री प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा भी वन आया हुआ है, भी टू आया हुआ है, भी थ्री जीरो आया हुआ है, तो अगर समझिएगा लॉजिक, यहाँ पर भी थ्री जीरो आया हुआ है ना, भी थ्री जीरो आया हुआ है, तो इसीलिए एन सी टू तक लिए हैं, एन सी थ्री तक नहीं लिए हैं, क्योंकि एन सी थ्री तक ले तो यहाँ पर भी थ्री होता है, तो भी थ्री तो मेरा जीरो हो गया ना, भी थ्री तो मेरा जीरो हो गया, तो इसीलिए हमने वहाँ पर देखिए भी थ्री नहीं लिया है, समझ पा रहे ना। अब इसमें जस्ट फॉर्मूला में सेट कर देना, हमको क्या निकालना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ईट पर एक्स दिया हुआ है, हमको वाई एन निकालना है, एन सी जीरो की जगह पर एन सी जीरो रख देंगे, यू एन के जगह, देखिए यू एन है ना, यू एन की जगह पर यहाँ पर हम लोग ए टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स रख देंगे, जहाँ पर एन सी वन की जगह पर एन सी वन लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए एन माइनस वन है ना, तो एन माइनस वन की जगह पर यू एन माइनस वन की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, भी वन है ना, तो भी वन की जगह पर टू पुट कर देंगे, भी वन, अच्छा ठीक है ना, भी वन की जगह पर टू एक्स पुट कर देंगे, भी वन की जगह पर क्या पुट कर देंगे टू एक्स पुट कर देंगे, अच्छा फिर भी टू की जगह पर क्या पुट कर देंगे टू पुट कर देंगे, और भी थ्री है ही नहीं तो भी थ्री जीरो है, तो यहाँ पर एन सी थ्री होता है यू एन माइनस थ्री भी थ्री, भी थ्री की जगह पर जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, बातों बातें को समझ रहे हैं ना। अच्छा चलिए क्वेश्चंस को करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया, अब जस्ट सेटिंग करना है और कुछ नहीं। देखिए बच्चों यहाँ पर समझिएगा, आपका वाई एन यहाँ पर जस्ट पुट करना है, एन सी जीरो के जगह पर एन सी जीरो रहने दीजिए, और यू एन के जगह पर क्या है उस चीज़ को यहाँ पर देखिए, क्या है यू एन के जगह पर ए टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स, उसको लिखिए, क्या लिखेगा ए टू दी पावर एन और ई टू दी पावर एक्स लिख लिए। अब भी के जगह पर क्या है उस चीज को जरा देखिए, नोटिस कीजिए, भी के जगह पर क्या है, भी के जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो भी के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, भी के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है, अब प्लस एन सी वन उसको भी लिख लीजिए, यू एन माइनस वन के जगह पर क्या है वो जरा देखिए, देखिए यू एन माइनस वन के जगह पर क्या है ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स, क्या होगा यहां पर ए टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर ए एक्स, और भी वन के जगह पर क्या है वो चीज को जरा देखिए, भी वन के जगह पर क्या है टू एक्स है, तो वहां पर भी वन के जगह पर टू एक्स लिखिए, भी वन के जगह पर टू एक्स लिख दिए, फिर एक बात समझिएगा, फिर एन सी टू यू एन माइनस टू के जगह पर क्या हो जाएगा यू एन माइनस टू के जगह पर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा यू एन माइनस टू के जगह पर क्या हो गया, क्या है देखिए जरा ए टू द पावर एन माइनस टू ए टू द पावर एक्स लिखिए, ए टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर एक्स, वो भी मैंने लिख दिया। इसके बाद जरा देखिएगा ये हो गया, अब भी टू के जगह पर क्या, देखिए एन सी टू यू एन माइनस टू के जगह पर ए टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर एक्स, भी टू की जगह पर क्या जरा देखिए, तो भी टू की जगह पर क्या है, भी टू की जगह पर टू है, तो उस टू को लिखेंगे, भी टू की जगह पर टू लिखेंगे, भी टू की जगह पर टू लिख देंगे,
वी टू की जगह पर टू लिख दिए, अब एन सी थ्री, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे एन सी थ्री, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। फिर यू एन माइनस थ्री, अच्छा यू एन माइनस थ्री तब क्या हो जाएगा, अच्छा यू एन माइनस थ्री नहीं निकाले लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो, यू एन माइनस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन माइनस थ्री ई टू दी पावर एक्स, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, यू एन माइनस थ्री की जगह पर ए टू दी पावर, ए टू दी पावर एन माइनस थ्री और ई टू दी पावर एक्स, और भीतरी की जगह पर क्या था, जरा देखिए तो भीतरी क्या है, भीतरी क्या है जरा देखिए तो बच्चों, भीतरी जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो लिखिए, भीतरी जीरो लिखिए, भीतरी की जगह पर जीरो लिखिए। अब जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो हो जाता है, इसीलिए हम लोग एन सी थ्री वाला टर्म टू लिखेंगे ही नहीं, इसीलिए हम लोग एन सी थ्री वाला टर्म टू लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है बच्चों, बातें समझ पा रहे हैं ना, जहां पर भी थ्री जीरो हो रहा है तो यानी कि भी वन भी टू तो ठीक था, लेकिन जैसे ही भी थ्री किया तो जीरो हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं काम को, अंजाम देते हैं। इसका मतलब एक बात को समझिएगा कि पॉलिनोमियल हम उसी को मानेंगे, नहीं पॉलिनोमियल को भी मानेंगे, क्या मानेंगे इसको नोट करके लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए, पॉलिनोमियल जो भी रहेगा जैसे एक्स स्क्वायर रहे एक्स क्यूब रहे, पॉलिनोमियल को क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल को भी मानना है, भी पॉलिनोमियल को क्या मानना है, भी मानना है, और जो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा उसको यू मानना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिएगा, यहां पर पेन चेंज करके मैं चीजों को लिख देता हूं, तो देयर फोर वाई एन बराबर एन सी जीरो, देखिए बच्चों एन सी जीरो का मतलब होता है वन, टू सी जीरो का मतलब भी होता है वन, है ना, थ्री सी जीरो का मतलब भी होता है वन, ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो एन सी जीरो का मतलब वन हो गया, तो वन इंटू ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस एन सी वन, एक बात समझिएगा, टू सी वन रहे तो ये हो जाएगा टू, फोर सी वन रहे तो ये हो जाएगा फोर, एक हजार सी वन रहे तो उसका मतलब एक हजार हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर मान लीजिए एन सी वन रहे तो उसका मतलब तब क्या होगा, एन हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एन सी वन है तो उसका मतलब एन हो जाएगा, और ए टू दी पावर एन माइनस वन और ई टू दी पावर ए एक्स और यहाँ पर बचा है टू एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर एन सी टू आ गया, तो इस बात को समझिएगा, एन सी टू का मतलब क्या होता है, इसको दो बार तोड़ करके लिखना है ना, तो एन गुने एन माइनस वन और दो को लिखेंगे दो बार तोड़ करके टू इंटू वन। अब एन सी थ्री रहे तो क्या होगा सर, तो इसको तीन बार तोड़ के लिखिए, n गुने एन माइनस वन गुने एन माइनस टू, देखिए तीन बार तोड़ के लिखे ना, और तीन है तो इसको लिखेंगे तीन गुने दो गुने एक, क्लियर है। फिर मान लीजिए एन सी फोर आ जाए, ये सब नोट करते जाइए, एन सी फोर आ जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे n गुने एन माइनस वन एन माइनस टू, तीन तक तोड़े, अब एक और तोड़ दीजिए एन माइनस तीन, चार तक तोड़ना है, एन सी फोर है तो एन गुने एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, चार तक तोड़ना है। नीचे क्या हो जाएगा, फोर है तो इसको भी चार बार तोड़ दीजिए घटते क्रम में, चार गुने तीन गुने दो गुने एक। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अभी लेकिन हम लोग को सिर्फ एन सी टू से काम है, तो एन सी टू से ही काम रखेंगे, बाकी बात को इरेज कर देते हैं। चलिए तो बच्चों आगे हम लोग एन सी टू का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एन गुने एन माइनस वन और टू इंटू वन, समझ पा रहे ना, एन सी टू का वैल्यू पुट कर दिए, एन गुने एन माइनस वन टू इंटू वन, और ए टू दी पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू और ई टू दी पावर ए एक्स और इंटू टू, ठीक है ना। अब बात को यहाँ पर समझिएगा, जरा गौर कीजिएगा, दो गुने एक दो होता है, तो ये दो से ये दो मर गया, ठीक है ना। अब बाकी बात इरेज कर देता हूँ नीचे वाला, ये सबको नोट करते हुए ही आप लोगों को चलना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देयर फोर वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा ए टू दी पावर एन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स प्लस, यहाँ पर टू एक्स है और यहाँ पर एन है तो क्या हो जाएगा टू एन एक्स ए टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर ए एक्स, है ना, क्या हो जाएगा टू एन एक्स ए टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर एक्स। अब प्लस यहाँ पर एन गुने एन माइनस वन ए टू दी पावर एन माइनस के टू ई टू दी पावर ए एक्स, ठीक है ना, ये इतना हो गया। आप चाहो तो इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर भी e टू दी पावर ए एक्स है, जरा समझिएगा, यहाँ पर भी e टू दी पावर ए एक्स है, यहाँ पर भी e टू दी पावर ए एक्स है, यहाँ पर भी e टू दी पावर ए एक्स है, आप कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं तक भी आप छोड़ दोगे तो काफ़ी है, मतलब आपको नंबर मिल जाएगा, आपको नंबर कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि फुल एंड फाइनल
आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई कि लेबनीज थ्योरम से अगर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स है कोई प्रोडक्ट फंक्शन में है तो उसका हम लोग nth डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसके जरिए मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, हम यहां पर किसको सबसे पहले लिखेंगे क्या सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे पहले तो, और लिखेंगे गिवन डेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू के कॉस एक्स लिख दिए। अब इसमें भी किसको मानेंगे और u किसको मानेंगे, भी उसी को मानेंगे जो पॉलिनोमियल होगा, तो देयरफॉर वी लेट भी बराबर एक्स स्क्वायर एंड u बराबर cos x हो गया। लॉजिक समझ पा रहे हैं ना, क्या मैंने बोला भी बराबर पॉलिनोमियल मानेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर और u बराबर cos x, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसी को हम लोग u मानेंगे। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहां पर खींच देना डिफरेंशिएट करने के लिए। अब भी है तो भी वन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, भी टू करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब भी थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना, भी थ्री मतलब 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अच्छा आगे u1 बराबर क्या होगा, u2 बराबर क्या होगा, आप लोग को मालूम है u1 करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, इसी को हम लोग फिर क्या लिखते थे याद है कॉस पाई बाई टू अब प्लस एक्स प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करते थे, कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर लॉजिक समझिएगा, यहां पर एक है तो यहां पर क्या आया यू वन बराबर कॉस 1 पाई बाई टू प्लस एक्स आया। फिर आप क्या कीजिए बच्चों आगे आप लोग फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यू टू कीजिएगा तो फिर आएगा नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, याद आ रहा है ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको फिर प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यू टू बराबर क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू अब प्लस के एक्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, थीटा बोले तो पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट बताइए। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जर्व करते थे और डॉट 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 यूएन खोजते थे, याद है यूएन खोजते थे ना बच्चों, कि एक है तो कॉस 1 पाई बाई टू प्लस एक्स है, दो है तो कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानी कि 2 पाई बाई टू प्लस एक्स है, और एन बार करेंगे तो कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा बच्चों, एक है तो कॉस 1 पाई बाई टू प्लस एक्स है, दो है तो कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानी कि 2 पाई बाई टू प्लस एक्स है, और एन है तो कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स होगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, और ये मैं बता भी चुका हूँ। और अगर अब भी अगर दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप लोग कहीं ना कहीं फांकी मार के पढ़ रहे हैं, आप लोग पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर लेबनीज थ्योरम की मदद से आगे का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि वी नो डेट अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम वी नो डेट हम लोग ये जानते हैं कि इफ वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी रहे तो देन हम लोग क्या जानते हैं वाई एन बराबर क्या होगा बच्चों, फिर हम लोग जानते हैं वाई एन बराबर होता है एन सी जीरो, ठीक है ना, यहां पर हो जाता है यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन फिर वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू फिर वी टू प्लस, इस प्रकार से आगे चलते रहेगा, है ना, वी थ्री भी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वी थ्री क्या है जीरो है, वी थ्री ही जीरो है, तो इसीलिए आगे हम लोग चलेंगे ही नहीं, आगे जीरो कर देंगे क्योंकि वी थ्री मेरा जीरो हो जा रहा है तो फिर आगे चलना ही नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाना है शॉर्टकट्स करने के लिए। अब देयरफॉर यहाँ पर वाई एन बराबर तब क्या हो जाएगा एन सी जीरो, ठीक है एन सी जीरो हुआ। अब यू एन क्या है कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो यहां पर लिखिए कॉस एन पाई बाई टू अब प्लस के एक्स, और भी क्या है भी क्या जरा देखिए, तो भी आपका है एक्स स्क्वायर तो भी की जगह पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, ठीक है ना। यू एन माइनस वन क्या है देखिए एन है तो यहां पर एन पाई बाई टू प्लस एक्स है तो एन माइनस वन होगा तो यहां पर एन माइनस वन हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू अब प्लस का एक्स। फिर से एक बार समझ लीजिएगा
फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर यू एन है तो यहाँ पर कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, और यू एन माइनस वन है तो कॉस एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा। एन है तो यहाँ पर देखिए एन है तो एन हो गया, और एन माइनस वन है तो यहाँ पर एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है। अब नेक्स्ट है वी वन, वी वन के जगह पर क्या है 2x, तो वी वन के जगह पर लिख देंगे 2x, यहाँ पर लिख देंगे 2x, आप प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पर जगह नहीं हो रहा तो यहाँ पर बता देते हैं वी वन तक हो गया एन सी टू, एन सी टू, फिर यू एन माइनस टू, यू एन माइनस टू क्या है जरा देखिए, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n, n माइनस टू होगा तो यहाँ पर भी n माइनस टू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos n माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस के x, ठीक है ना, यू एन माइनस टू हो गया। अगर यहाँ पर n है तो n माइनस टू हो जाएगा। चलिए इतना पहले कीजिए, तो चलिए फिर आगे का हम लोग करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए वाई एन बराबर यहाँ तक तो क्लियर था आप लोगों को, अब यहाँ पर एन सी टू वाला है, एन सी टू यू एन माइनस टू है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस टू, देखिए जहाँ पर देखिए यू एन निकाल चुके ना, एक बार यू एन निकालने की देरी है, फिर जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस टू पुट कर दीजिए। जब क्या मैंने बोला, जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस टू पुट कीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए n माइनस टू, तो जहाँ पर n था n माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, और वी टू की जगह पर क्या बच्चों, वी टू की जगह पर टू है तो वी टू की जगह पर यहाँ पर लिख दीजिएगा टू, क्या लिख दीजिएगा टू। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब वाई एन बराबर तब क्या हो जाएगा, एन सी जीरो का मतलब वन हो गया, ये कॉस एन सी जीरो का मतलब वन हो गया, कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, और इंटू का एक्स स्क्वायर, इंटू का क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, एन सी जीरो का मतलब वन, कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी वन का मतलब एन हो जाएगा, एन सी वन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों एन हो जाएगा। अब ये कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन होगा, फिर क्या हो जाएगा पाई बाई टू अब प्लस का x, और यहाँ पर 2x है तो 2x लिख लीजिएगा, 2x लिख लीजिएगा, बीच में प्लस है प्लस लिख लीजिए, अब प्लस दीजिए, फिर यहाँ पर एन सी टू का मतलब क्या होता है n गुने n माइनस वन और दो गुने एक, और ये आपका हो गया cos n माइनस टू, और ये पाई बाई टू अब प्लस के x, क्या हो गया बच्चों प्लस के x हो गया, और इंटू का टू, इंटू का टू। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एन सी जीरो का मतलब वन, कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एन सी वन का मतलब एन, कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, टू एक्स का टू एक्स बीच में प्लस, फिर एन सी टू का मतलब एन इंटू एन माइनस वन, और नीचे में टू है तो टू इंटू वन, दो बार तोड़ के लिख दिए, कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू टू। अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा, ये टू इंटू वन और ये टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग, पहले आप लोग कॉपी पेन खुद से लेकर के बनाइए, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बताएंगे, ओके। तो चलिए, तो यहां तक तो हो गया होगा आई होप। अब इसी चीज को आप लोगों को क्या करना है, पिछले स्लाइड में करना है, ठीक है ना। देखिए तो देयरफॉर वाई एन बराबर जो चीज उधर लिखा हुआ था उस चीज को इधर लिखना पड़ेगा। देख क्या है, कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई बाई टू अब प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस का एक्स। अच्छा देखिए एन है यहाँ पर टू एक्स है तो एन गुने टू एक्स, टू एन एक्स हो जाएगा, प्लस के टू एन एक्स, टू एन एक्स, टू एन एक्स, ओके बच्चों, टू एन एक्स कॉस, ठीक है, क्या है जरा देखिए, कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स अब प्लस, फिर जरा देखिए क्या है, टू एन एक्स कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, फिर यहां पर है देखिए टू टू कैंसिल हो गया, एन गुने एन माइनस वन, एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस एन गुने एन माइनस वन कॉस कॉस एन माइनस टू। अच्छा यहाँ पर प्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और इसके नीचे लिख देते हैं है ना, इसके बाद वाला जरा देखिए क्या है, एन गुने एन माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए एन गुने, क्या लिखिएगा बच्चों, एन गुने एन माइनस वन
कॉस, ठीक है, फिर क्या है जरा देखिए, तो कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाता है। आप इसको एक लाइन में लिख दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। दिस इंप्लाई डेट वाई एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स प्लस टू एन एक्स कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस का एक्स, अब प्लस का एन गुने एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है ना। जरा देखिए फिर से एक बार मैच कर लीजिए आप लोग। तो कहने का मतलब कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है तो उसका nth डेरिवेटिव हमने करके निकाला और ये हम लोग का प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स कॉस एन माइनस वन ओवर पाई बाई टू प्लस एक्स एन इंटू एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर है? आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से लेबनीज रूल लगा करके चीजों को सिंप्लीफाइड करते हैं और बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आ रहा है, इसको भी लेबनीज रूल से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डैट। क्या लिखेंगे? गिवन डैट। गिवन डैट में जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू इट द पावर एक्स, ये दिया हुआ। अब इसको किसको भी मानेंगे जो पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो देयरफॉर वी लेट, देयरफॉर वी लेट भी बराबर एक्स, जो पॉलिनोमियल होगा उसको भी मानेंगे। एंड एंड यू बराबर क्या मानेंगे? ई टू द पावर एक्स, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसको हम लोग ई टू द पावर एक्स मानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा आगे। तो भी बराबर ये है तो भी वन बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का वन हो जाएगा। अब भी टू बराबर क्या हो जाएगा? वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब यू वन बराबर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा। ई टू बराबर क्या हो जाएगा? यू टू बराबर तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा। दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही होगा। फिर डॉट 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 यू एन बराबर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर एक बात आप लोग समझे कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वही रहा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। दो बार किए तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। एन बार करेंगे तो वही रहेगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग लेबनीज रूल लगाएंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल या लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना। तो लेबनीज थ्योरम के मदद से हम लोग क्या जानते हैं कि इफ, यदि वाई इक्वल्स टू, यदि वाई इक्वल्स टू यू इंटू भी रहे, देन 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 वाई एन बराबर क्या क्या होता है? एन सी जीरो यू एन वी वन प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन और वी टू प्लस, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। लेबनीज रूल ये नहीं था, थोड़ा सा एक यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या होगा। तो वाई एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एन सी जीरो यू एन भी था, है ना, यहां पर वी वन कर दिए थे। तो अब क्या होगा? एन सी वन यू एन माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा? वी वन हो जाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, एन सी जीरो यू वन, फिर एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस क्या हो जाएगा? फिर वी टू हो सकता है वी टू, लेकिन पहले वी वन देख लीजिए क्या है, वन, अब वी टू क्या है? जीरो। तो इसीलिए आगे वी टू लिखेंगे जैसे एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू वी टू, तो वी टू तो जीरो रहेगा, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो, इसीलिए आगे लिखेंगे ही नहीं, तो आगे डायरेक्ट जीरो कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना बातों को? तो देयरफॉर वाई एन बराबर आपका हो जाएगा एन सी जीरो, ठीक है ना। यू एन का वैल्यू लिखिए, यू एन क्या ई टू द पावर एक्स है, उसको लिख लीजिए ई टू द पावर एक्स, अगुना भी क्या है, भी क्या है एक्स है, तो भी की जगह पर एक्स लिखिए। अब प्लस एन सी वन और यू एन माइनस वन की जगह पर क्या हो जाएगा? भाई मेरे, अगर यू एन बराबर यही है तो यू एन माइनस वन भी तो वही होगा ना, ना एन में अगर एक सबट्रैक्ट भी कर देते तो यू एन ही, अगर ई टू द पावर एक्स है तो यू एन माइनस वन भी तो ई टू द पावर एक्स ही होगा ना। अगर एन बार डेरिवेटिव किया तो ई टू द पावर एक्स, तो एक बार और कम कीजिएगा तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो यू एन माइनस वन की जगह पर ई टू द पावर एक्स और वी वन की जगह पर क्या है बच्चों? वी वन की जगह पर वन है, तो वी वन की जगह पर वन लिख दीजिए। अच्छा, आगे प्लस जीरो लिखने कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई मतलब नहीं बनता है। तो देयरफॉर
वाई एन बराबर एन सी जीरो का मतलब तो वन होता है, तो वन लिखेंगे नहीं, तो बाहर में एक्स कर दीजिए, ई टू द पावर एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एन सी वन का मतलब एन होता है, ई टू द पावर एक्स को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, एन ही रहेगा और ई टू द पावर एक्स इंटू वन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, है ना। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपका एक्स क्या है, यहाँ पर लॉजिक समझेगा, यहाँ पर आपका है एक्स गुना ई टू द पावर एक्स प्लस एन इंटू ई टू द पावर एक्स। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर हुआ कि अगर y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स रहे तो वाई एन क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये आपका होता है, क्लियर है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डैट, क्या लिखेंगे, गिवन डैट y बराबर एक्स स्क्वायर इन टू के साइन एक्स लिख दिया मैंने, और क्या लिखूंगा, लेट करूंगा, देयरफॉर वी लेट भी बराबर पॉलीनोमियल को भी मानते हैं, है ना, देयरफॉर वी लेट पॉलीनोमियल को भी मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने भी माना है, एंड u किसको मानेंगे जो पॉलीनोमियल नहीं रहे, तो ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसीलिए हमने यू माना, मतलब जो पॉलीनोमियल रहेगा उसी को भी मानेंगे, जो पॉलीनोमियल नहीं रहेगा उसको हमने यू मानेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या करते हैं, भी वन भी है तो भी वन करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, दो बार करेंगे तो क्या होगा टू इंटू एक्स का वन यानी कि टू, और तीन बार करेंगे तो भी थ्री बराबर जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा यू वन बराबर क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और इसी कॉस को फिर बदलेंगे हम लोग साइन में, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्योंकि प्राइमरी फंक्शन है, बदलना जरूरी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो हमने y को u बराबर साइन एक्स है तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स हुआ, कॉस को फिर से साइन में बदल दिया साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बताइए। फिर देखिए u1 को फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u2 हो जाएगा, u1 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो क्या होगा u2 होगा, u2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस साइन एक्स, इसको पढ़िए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब u2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस है ना, इसको हम लोग साइन में बदलना है, सपोज कीजिए साइन में बदलना, तो लिखेंगे साइन 90 अब प्लस थीटा, थीटा बोले तो पाई बाई टू अब प्लस एक्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट। डॉट 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 अगर यू एन निकालना हो तो साइन, लॉजिक समझिएगा बच्चों, एक है तो वन पाई बाई टू प्लस एक्स है, दो है तो कितना है, इस चीज को घेर लीजिए, दो है तो क्या है बच्चों, दो है तो क्या है साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, टू पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा, साइन एन पाई बाई टू प्लस का एक्स, मैंने क्या कहा इस बात को गौर से समझिएगा, देखिए वो यू बराबर साइन एक्स है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स आया, पाई बाई टू प्लस एक्स आया वन पाई बाई टू, अब दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानी कि टू पाई बाई टू प्लस एक्स, एन बार करेंगे तो साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे का हम लोग क्वेश्चन को और करेंगे, हम लोग फिर लेबनीज रूल लगाएंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल, लेबनीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम कि इफ यदि y इक्वल्स टू यू इन टू भी रहे देन क्या होता है, देन वाई एन बराबर आपका होता है एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, फिर आपका क्या हो जाएगा भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू, फिर क्या हो जाएगा यू एन माइनस टू यू एन माइनस टू भी टू, अब प्लस फिर भी थ्री लिखेंगे नहीं, क्यों बोलिए तो भी थ्री का वैल्यू जीरो आ गया इसीलिए भी थ्री बराबर जीरो, फिर से एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए, एन सी जीरो यू एन भी, फिर एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन, एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, ठीक है, और भी थ्री लिखेंगे नहीं क्योंकि भी थ्री का वैल्यू जीरो आया, क्लियर है बच्चों। आइए बारी बारी से करते हैं, तो देयर फोर वाई एन बराबर एन सी जीरो और यू एन का वैल्यू कितना है साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो उसको लिखिए साइन एन पाई बाई टू अब प्लस का एक्स, फिर भी का वैल्यू लिखिए, भी का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए,
प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन का वैल्यू लिखिए। देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n पाई बाई टू प्लस एक्स आया, तो अगर n माइनस वन रखें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर n माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए यू एन माइनस वन के जहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन n माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स लिखेंगे, साइन n माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस का x। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। यहाँ पर वाई एन एन सी जीरो यू एन, यू एन का वैल्यू हमने पुट कर दिया एज इट इज, और भी का जगह पर, भी के जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, जहाँ पर एन था वहाँ पर एन माइनस वन पुट करेंगे, एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, क्लियर है। अब फिर क्या है, यहाँ पर वी वन लिखना है, तो वी वन का वैल्यू कितना है जरा देखिए, तो वी वन का वैल्यू टू एक्स है, तो यहाँ पर वी वन का वैल्यू लिख देंगे टू एक्स, क्या लिखेंगे टू एक्स, अब बीच में प्लस क्या देंगे प्लस, अब प्लस से फिर इसको जोड़ेंगे, वी वन तक हो गया वी टू तक जाएंगे, एन सी टू लिखेंगे एन सी टू, फिर यू एन माइनस टू, तो जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस टू, देखिए यू एन तो आ गया ना, जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस टू, तो लिखेंगे साइन ठीक है एन माइनस टू पाई बाई टू और प्लस का एक्स, क्लियर है। यू एन माइनस टू जहाँ पर एन वहाँ पर एन माइनस टू है ना, एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, और वी टू के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, वी टू के जगह पर लिखेंगे टू, दो गुने एक यानी कि दो दो, अब फिर आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, जीरो को लिखिए ना लिखिए प्लस जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो देयरफोर क्या होगा वाई एन बराबर, देखिए एन सी जीरो का मतलब वन इसीलिए उसको लिखेंगे नहीं, एन सी जीरो का मतलब वन उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू और प्लस का एक्स, फिर एन सी वन का मतलब क्या होगा, एन सी वन का मतलब एन होगा, और यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ पर एन सी वन का मतलब एन हो गया, और इधर टू एक्स है तो टू एन एक्स हो जाएगा, फिर से एक बार समझिए, एन सी वन का मतलब एन होगा और इधर टू एक्स है तो टू एन एक्स हो जाएगा, तो प्लस टू एन एक्स और साइन एन माइनस वन पाई बाई टू और प्लस का एक्स, ठीक है ना। अब प्लस फिर से प्लस दे दीजिए है ना, और इधर फिर लिखिए जो इधर बचा हुआ है, एन सी टू का मतलब क्या होता है एन गुने एन माइनस वन और नीचे में दो गुने वन, ठीक है ना, दो गुने एक, फिर यहाँ पर साइन एन माइनस टू पाई बाई टू और प्लस का एक्स और गुना दो, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा, उन सभी को काट दीजिए, ये टू इंटू वन यानी कि टू और ये टू कैंसिल हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे फिर से नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। तो जो आया है तो देयरफॉर क्या आया हुआ है जरा देखिएगा, देयरफॉर वाई एन बराबर आपका आया हुआ है, वाई एन बराबर क्या आया हुआ उसको लिखना पड़ेगा, क्या आया हुआ एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या आया हुआ एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू और प्लस के एक्स, ठीक है। और क्या आया हुआ जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू प्लस एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स है ना, टू एन एक्स, टू एन एक्स क्या आया हुआ है टू एन एक्स, टू एन एक्स क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स साइन एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन एन माइनस वन पाई बाई टू और प्लस का एक्स, क्लियर है। फिर से आगे आगे देखिए क्या लिखा हुआ आगे का, टू एन एक्स साइन एन पाई एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस एन गुने एन माइनस वन, ठीक है ना, एन गुने एन माइनस वन प्लस, यहाँ पर हटेगा नहीं तो यहाँ पर करता हूँ एन गुने एन माइनस वन और साइन लिखा हुआ है एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स है ना, क्या लिखा हुआ प्लस का एक्स, ठीक है। एक बार जरा मैच कीजिए, एन गुने एन माइनस वन साइन एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स साइन एन माइनस वन पाई बाई टू एक्स, जरा देखिए मैच कीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एन एक्स साइन एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन साइन एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। किसके लिए, यदि आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे दिया जाए तो उसका वाई एन क्या होगा, उसका वाई एन ये होगा, इसका वाई एन ये हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, ठीक है ना।
और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि BBMKU से रिलेटेड UG प्रोग्राम के तहत जितने भी ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, है ना, वो सारा का सवारा मैं जो है कि कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक या फिर एंड सेमेस्टर तक, आप लोगों को बस E2E क्लासेस के साथ ज्वाइन रहना है, जुड़े रहना है और वीडियोस को शेयर करना है। और चैनल पे नए हैं तो एकदम ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग हिट कर दीजिए, तभी आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा, है ना। तो चलिए, इसी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर लेबनीज रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करेंगे, लेबनीज थ्योरम्स करेंगे, उसके स्टेट एंड प्रूफ को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन, धन्यवाद।